हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, ये वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस मैच में, क्योंकि गाइस दोनों टीम अच्छी टीमें हैं। तो गाइस देखते हैं कि कौन सी टीम वर्ल्ड कप ले जाती है। तो गाइस इसे एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और गाइस काफ़ी मज़ा आने वाला है। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरा गेम प्ले अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो गाइस चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैच को। ये आप स्वागत है सबका इस खूबसूरत स्टेडियम में। टॉस के लिए यहाँ मौजूद हैं दोनों टीमों के कप्तान और मैच रेफरी। टेल्स मांगा है और टेल्स ही है। एक अच्छा टॉस जीता, इनको परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए योजना के अनुसार खेलना होगा। और ये रहे दोनों टीमों के खिलाड़ी जो इस मैच में आज खेलेंगे। लेडीज एंड जेंट्स, प्लीज स्टैंड अप फॉर द नेशनल एंथम्स। एक खूबसूरत दिन क्रिकेट के लिए। चलिए इसी के साथ अंपायर गेंद के साथ मैदान में उतरते हुए। और ये आ रहे हैं फील्डिंग साइड पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ। ये आए सलामी बल्लेबाज, दर्शक उनका पूरे जोरों शोरों से स्वागत करते हुए। तेज गेंदबाज को लाया जा रहा है इस छोर से। 5 इनिंग की पहली गेंद का सामना करते हुए। क्या शॉट लगाया है बल्लेबाज ने। सारे फील्डर्स बस गेंद को दर्शकों के बीच जाते हुए देख सकते हैं। गेंद की लेंथ का अनुमान तो इन्होंने बहुत ही जल्दी लगा लिया था। बहुत ही खूबसूरत शॉट। क्षेत्ररक्षण में तब्दीली। क्या रोमांचक मैच चल रहा है, दर्शक भी बड़े ही जोश में लग रहे हैं। वाह भाई वाह, विस्फोटक गेंदबाजी। अंपायर का इशारा डेड बॉल। निराश लग रहे हैं वहां, मेरी माने तो अपने आप को खुशकिस्मत समझे जो बिग क्रीज में ही खड़े हैं। बेबुनियाद शॉट बल्लेबाज द्वारा, ठीक से पढ़ नहीं पाए। कप्तान ने बढ़िया फील्ड लगाई है और गेंदबाज भी फील्ड के अनुसार ही गेंदबाजी कर रहे हैं। पूरी ताकत लगा दी इस शॉट में बल्लेबाज ने। 6 रन। क्या इनके तरकश में से एक और चौका निकल सकता है, चलिए देखते हैं। ये शॉट गया हवा में और गैप में भी गया। इस शॉट को पड़ा भी है और जड़ा भी है, बढ़िया स्ट्रोक। बड़ी अच्छी बैटिंग फॉर्म में लग रहा है बल्लेबाज। शॉट, गेंदबाज के पूरे अकड़ को चकनाचूर करती हुई 6 रन। यहां से चूक गए, बढ़िया बॉलिंग। ये
अपनी नजरें गेंद से हटा दी थी बल्लेबाज ने। ये तो तेज गति के गेंदबाज वापस आते हुए बैटिंग पावर प्ले की समाप्ति। फील्डिंग टीम अब दो से ज्यादा फील्डर दायरे के बाहर रख सकती है। आला स्ट्रोक, टन 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 बल्ले के बीचों बीच। क्षेत्र रक्षण में तब्दीली। जब फुल फ्लो में खेलते हैं तब इनकी बल्लेबाजी देखने लायक होती है। बल्लेबाज ने इस गेंद को पड़ा भी और जड़ा भी, लगाया छक्का। अब पता नहीं भैया ये गेंद कहां जाएगी। बढ़िया टाइमिंग, एक रन आसानी से पूरी की जा सकती है और बल्लेबाज दो रन का कॉल देते हुए। बहुत ही खराब रनिंग बिटवीन द विकेट्स। डीप पॉइंट पे फील्डर लगाया है कप्तान ने। सीधा फील्डर के पास खेल दिया है, गैप ढूंढने में असमर्थ। गेंदबाज अपने पसंदीदा छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। शॉट, गेंदबाज के पूरे अकड़ को चकनाचूर करती हुई 6 रन। ये पारी इनका जरूर मनोबल ऊपर करेगी। दमदार शॉट, जिस तरफ इन्होंने मारा है उस तरफ की बाउंड्री बाकी के बाउंड्री के मुकाबले बहुत ही लंबी है। बहुत लय में नजर आ रहे हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन, तेज गेंदबाज को आक्रमण के लिए लाया गया है। बॉलर को अपनी लाइन एंड लेंथ सटीक रखनी होगी इस फील्ड के साथ। हवा में खेल दिया है और गैप में भी 4 रन। बल्लेबाज पूरे नियंत्रण में थे वहां। क्षेत्र रक्षण में तब्दीली। ये एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं। चलिए देखते हैं अगली गेंद कहां मारेंगे। निश्चित तौर पे इसकी कामना नहीं कर रहे थे। बढ़िया गेंदबाजी। हवा में खेल दिया था, ठीक तरह टाइम नहीं कर पाए थे यहां और ये आउट। बल्लेबाज का ये खराब शॉट और फील्डर के लिए ये एक आसान सा कैच। डीप पॉइंट पे फील्डर लगाया है कप्तान ने। चार रन, बेहतरीन टाइमिंग का प्रदर्शन यहां। दर्शक यहां बाउंड्री की आस लगाए बैठे हैं, बहुत उत्साहित। बड़े शॉट के लिए गए और बड़ा शॉट मार भी दिया, तूफानी छक्का। क्या कहने इनके, जबरदस्त प्लेयर का एक शानदार अर्धशतक। बल्ले के बीचों बीच से मारा शॉट, खूब शॉट लगाया बल्लेबाज ने। द
हवा में उठा दिया है और ये 6 रन। कोई मौका नहीं था वहाँ फील्डर के पास और वो सिर्फ बॉल को जाते हुए देख सकते थे। तेज गति के गेंदबाज वापस आते हुए, ये बहुत ही कठिन फील्ड है गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी। क्या चाबुक शॉट लगाया है, ऐसी शॉट की आवाज सुनते ही मन मंत्र मुग्ध हो जाता है। फील्ड में बदलाव, एक बार मारा है, क्या वो दोबारा मार पाएंगे? करारा शॉट बल्लेबाज का और ये 6 रन। बहुत लय में नजर आ रहे हैं। शॉट लगाया, ऊंचा भी था, लंबा भी था, पल्ले का बीचों बीच से था। जब फुल फ्लो में खेलते हैं तब इनकी बल्लेबाजी देखने लायक होती है। जबरदस्त शॉट, बल्ले का बढ़िया कनेक्शन और गेंद गई सीधा हवाई यात्रा पर। चलिए देखते हैं कि अगली गेंद स्टेडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी। बहुत ही भाग्यशाली रहे वहां, मिस कर गए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। इस ओवर की पहली बॉल फेंकने जा रहे हैं। ये पहली बॉल डाली है उन्होंने, प्लेस किया, काफ़ी अच्छा प्लेस किया और यहाँ पे आपको 4 रन मिलेंगे। ये एम्पायर का इशारा, 4 रन हुए पूरे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बॉल को उन्होंने डाला है और ये इन्होंने काफ़ी अच्छा शॉट मारा है, शॉट के लिए मारा था और शॉट गया भी। यहाँ 6 मिलेगा इनको। जैसे देख पा रहे हैं हम, इन्होंने शॉट के लिए खेला है ये, और ये शॉट 6 के लिए खेला था और यहाँ 4 रन पाएंगे। कोई फील्डर नहीं है वहाँ पे। बहुत अच्छा शॉट मारा और इसी के साथ सुरेश शर्मा की सेंचुरी पूरी हुई। इस वर्ल्ड कप में पहली सेंचुरी है सुरेश शर्मा की और इससे पहले शिखर धवन ने बनाई थी सेंचुरी पूरी। ये इन्होंने बॉल डाली है बिल्कुल स्टंप पे, लेग स्टंप पे, और इन्होंने काफ़ी अच्छा खेला, काफ़ी अच्छा शॉट मारा है। 6 के लिए गया है यहाँ पे और 6 मिलेगा। एम्पायर का इशारा, 6। एक 108 रन हो गए हैं सुरेश शर्मा के और धोनी के 54। काफ़ी अच्छी साझेदारी रही यहाँ पे। फिर से उन्होंने शॉट के लिए खेला है बट ये शॉट नहीं है। 1 रन मिलेगा यहाँ पे। अभी धोनी है जो 54 पे खेल रहे हैं। ये शॉर्ट पिच बॉल डाली है इन्होंने, काफ़ी अच्छी टाइमिंग बनाई, काफ़ी अच्छा शॉट मारा, 4 मिलेंगे यहाँ पे। काफ़ी अच्छा धोनी ने शॉट मारा, लग नहीं रहा पाता कि 4 रन जाएंगे और मार काफ़ी अच्छा है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, ब्रेक टाइम। चलिए देखते हैं अब दूसरी टीम आएगी।
गैस जी एम्पायर यहाँ आते हुए बॉल उछालते हुए आ रहे हैं और उसी के साथ हमारी टीम इंडिया आ रही है फील्डिंग के लिए तैयार हैं और ये ओपनिंग बैट्समैन आ रहे हैं काफ़ी अच्छे बॉलर हैं हमारे हैं और काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे बैट्समैन जो ओपनिंग में आए हैं काफ़ी अच्छे रन मारते हैं काफ़ी अच्छा मारते हैं खेलते हैं। तो ये पहला ओवर हमने उमेश यादव को दिया है पहली बॉल इस ओवर की इसमें सॉरी इस मैच की पहली बॉल और एक भी रन मिला इस बॉल पे काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट कर रहे हैं। दूसरी बॉल यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी अच्छा प्लेस किया है बॉल को उठा के नहीं मारा है खाली इन्होंने रोका है बॉल को एक रन की कोशिश बट यहाँ पे एक रन नहीं मिल पाएगा। लेग में डाली है बॉल और इन्होंने काफ़ी अच्छा शॉट मारा है यहाँ पे सिक्स मिलेगा काफ़ी अच्छा शॉट खेला है यहाँ एम्पायर का इशारा सिक्स मिला गाइस काफ़ी अच्छा शॉट मारा है इन्होंने और ये बॉल इसे काफ़ी अच्छा उठाया है इन्होंने चार के लिए बट ये तो कैच थे बेटे यहाँ पे एक विकेट गंवाना पड़ेगा न्यूजीलैंड को। ये देख रहे हैं आप जैसे कि रिप्ले देख पा रहे हैं कि किस टाइप से साउथ टाइमिंग मनाई थी बट वो ठीक से टाइमिंग नमरा नहीं पाए और कैच दे बैठे यहाँ पे दूसरे बैट्समैन आते हुए मैदान में और ये इस ओवर की लास्ट बॉल यहाँ पे अपील की है देखते हैं रिव्यू लेंगे नहीं लेंगे यहाँ पे हमारे इंडियन कैप्टन रिव्यू के लिए तैयार हैं उन्हें लगता है कि आई थिंक ये विकेट हो चुका है तो एक बार थर्ड एम्पायर फोर्थ एम्पायर के पास जाते हुए काफ़ी अच्छा रिव्यू देते हैं ये पहले नो बॉल चेक किए साइड लाइन चेक किए तो इसके अकॉर्डिंग लग नहीं रहा है कि ये विकेट हो पाएगा क्योंकि काफ़ी दूर है बॉल तो हमारा ये रिव्यू लॉस हो जाएगा ये एक रिव्यू लॉस हुआ हमारा ये ओवर की पहली बॉल अश्विन करा रहे हैं इस बॉल को और इन्होंने बिल्कुल बीच स्टंप पे डाला है बॉल और यहाँ पे इनको एक रन भी नहीं मिला ये एयरकर बॉल डाल रहे हैं देखते हैं इन्हें विकेट मिलेगा नहीं मिलेगा ये मारा है इन्होंने उठा के और ये सीधे आपको मिल पाएंगे एक रन मिल पाएगा यहाँ चार के लिए मारा था उठा के गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है काफ़ी मज़ा आ रहा है इसमें खेलते हुए बॉलिंग कराते हुए काफ़ी अच्छा मारा है काफ़ी अच्छी टाइमिंग बनाई है काफ़ी अच्छा उठाया है इन्होंने छः रन मिलेंगे यहाँ पे काफ़ी अच्छी बैटिंग थी इनकी पांच ओवर होने वाले हैं पांचवें ओवर की ये चौथे ओवर की तीसरी बॉल है और यहाँ पे अभी सिर्फ 18 रन बने हैं इस हिसाब से लग नहीं रहा है कि ये मैच जीत पाएगी क्योंकि इन्हें अभी काफ़ी तेज़ी से बैटिंग करनी होगी अच्छे रन रेट लेना होगा नहीं तो अगर रन रेट ही नहीं आएगा तो मुश्किल बात है इनका जीतना। एक बार रिप्ले देखते हैं हम यहाँ पे चार रन के लिए काफ़ी अच्छा शॉट खेला है इन्होंने
ये इस ओवर की 5वीं बॉल और इन्होंने लगता है विकेट लेने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक विकेट दो ही हो गए हैं, 106 रन हुए हैं और ये बैट एलबर्ट है विकेट के चक्कर में, बैट एलबर्ट है। चलिए एक वन बाउंस भी हुआ बैट के साथ, एक रन भी दिया और एक बाउंस भी दिया। इन्हें सही से खेलना, बॉलिंग पकड़नी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे अगर देंगे तो मुश्किल बात है जीतना। काफ़ी अच्छा शॉट मारा है, उठा के मारा है और यहाँ 6 मिलेगा। एम्पायर का सारा 6, इसी के साथ टायर के पूरे 54 रन हुए हैं, यानी अर्ध तक पूरा किया उन्होंने। 8 टायर अच्छा खेल रहे हैं, अभी 11 बॉल में 54 रन मारे हैं, काफ़ी अच्छी बॉलिंग बैटिंग रही इनकी। फिर से इन्होंने एक अच्छा सा शॉट मारा, 6 के लिए जाएगा यहाँ पे। काफ़ी खुल के खेल रहे हैं, अब उन्हें पता है कि हमारी टीम को काफ़ी ज़रूरत है रनों की। ये लास्ट ओवर है गैस, अब मुझे लगता नहीं कि ये जीत पाएंगे जिस हिसाब से इन्होंने किया है, क्योंकि अभी तो ओवर ही हैं, एक ही ओवर बचा है और हमारे पास सिर्फ 6 बॉलें बची हैं और रन भी काफ़ी हैं हमारे लिए। पहली बॉल पे एक भी रन मिला यहाँ पे और ये आपकी 9वीं ओवर की दूसरी बॉल, विकेट के चक्कर में है बट यहाँ पे एक रन मिलेगा इनको। ये दूसरे रन के लिए भी दौड़े हैं तो ये 2 रन पूरे कंप्लीट हुए। फिर से प्लेस किया है और यहाँ पे 4 रन मिलेंगे। यहाँ पे फील्डर हैं मगर पहुँच नहीं पाए, काफ़ी दूर रही बॉल, काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं अभी। ऐसे काफ़ी मज़ा आ रहा है खेलने में गाइस, अगर आपको अच्छा लग रहा है गेम तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और गाइस अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो राइट चैट में सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाना ना भूलें। और गाइस मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, इसलिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। काफ़ी अच्छा शॉट खेला है उन्होंने, काफ़ी लंबा खेला है ये आपका, 33 मीटर से ऊपर ही गया है। इस ओवर की ये 5वीं बॉल है, लास्ट ओवर की 5वीं बॉल है और यहाँ पे इन्होंने प्लेस किया है और काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट किया, 4 रन मिलेंगे यहाँ पे। ये इस ओवर की लास्ट बॉल है, इस ओवर की क्या, इस मैच की ही लास्ट बॉल है। चलिए देखते हैं इस बॉल पे क्या करते हैं, रन मारेंगे, रन लेंगे या शॉट मारेंगे। इन्होंने प्लेस किया, अच्छा प्लेस किया है और इस यहाँ पे 1 रन मिलेगा इनको और इसी बॉल के साथ इंडिया ने ये मैच जीत लिया है, 61 रन से जीता है और इंडिया वर्ल्ड कप जीत के जश्न मनाने की तैयारी में है, क्योंकि ये आपका फाइनल मैच था और इंडिया ने फाइनल मैच जीत के वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। काफ़ी अच्छा मैच रहा ये और यहाँ पे मैन ऑफ द मैच सुरेश शर्मा को दिया जाता है और इसी जीत के साथ काफ़ी उत्साहित है, काफ़ी खुश है इंडिया टीम, सेलिब्रेशन कर रही है अपने वर्ल्ड कप जीतने का। चैंपियन ये 2015 चैंपियंस इंडिया रही है, काफ़ी मज़ा आया है इस मैच में। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा वीडियो गेम और ये मेरा वर्ल्ड कप मैच, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।